नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आप अपने थंबनेल पे पढ़ रहे हो, 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में लागू होने वाले नए नियम। ऐसे कौन से नियम लागू हो रहे हैं जिससे कि आईटीसी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि एक्चुअली 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में क्या होने वाला है। सो भैया, जैसा कि पता है कि आईटीसी जीएसटी की आत्मा है, सो आईटीसी को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। 1/10/2022 से ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले आपको बताने चाहेंगे कि 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस भी लागू हो रहा है। कैसे बनाया जाता है, किन पर लागू होता है, बिल्कुल आसान सी भाषा में A to Z प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो की चर्चा करते हैं कि जीएसटी में कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। सो जैसा कि 28 सितंबर 2022 कब भैया, 28 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 में बताया है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 100-114 के बीच में जो भी नियम थे उनको लागू कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। कब से लागू कर दिया, 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि कल से है। सो क्या क्या सर चेंजेस आए हैं, क्या क्या नए नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 आपको पता ही है भाई साहब, आईटीसी की आत्मा। अ न्यू सबसेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, सेक्शन 16(2)(BA), एक नया सबसेक्शन जो है एंटर कर दिया गया है BA, टू रिस्ट्रिक्ट द आईटीसी टू द एक्सटेंट अवेलेबल इन लाइन विद सेक्शन 38। सेक्शन 16 किसका है सर, सेक्शन 16 आपको बताता है कि आपको आईटीसी लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी है, पर अब सेक्शन 16 में एक सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया है BA, जिसके अकॉर्डिंगली वो आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करेगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो लाइनें सेक्शन 38 में लिखी हैं उस लाइन के अकॉर्डिंगली आपकी आईटीसी को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो लाइनें सेक्शन 38 के अंदर लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी आईटीसी को रोकेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 16 जो है वो ओरिजिनली आपके सामने क्या था। तो सेक्शन 16 क्या होता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपके पास होना चाहिए, आपने एक्चुअली गुड्स को रिसीव किया होना चाहिए, साथ ही साथ जो टैक्स चार्ज किया है आपके सप्लायर ने आपसे उस टैक्स को उसने गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए, मतलब जीएसटी 1 और 3 भी उसने प्रॉपरली फाइल की होनी चाहिए, उसने अपनी रिटर्न को प्रॉपरली फाइल किया होना चाहिए। ये चार कंडीशंस जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2022 से, कब से, 1 जनवरी 2022 से एक कंडीशन को और ऐड कर दिया गया था कि भैया आप वही आईटीसी क्लेम करोगे जो कि आपकी आईटीसी 2B के अंदर आ रही हो। ये अभी तक की कंडीशंस थी, बट अब एक सेक्शन और आ गया है सब सेक्शन BA 16(2) के अंदर जो कि आपकी आईटीसी को रोकेगा। कैसे रोकेगा, जो लाइनें सेक्शन 38 में लिखी हैं। तो सेक्शन 38 क्या है, सेक्शन 38 है जो कि कम्युनिकेट करता है आपकी आईटीसी को, इनवर्ट सप्लाई को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जो कि कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब जो आईटीसी आपके 2B में आती है। तो सीधा सीधा लिंक क्या है कि सेक्शन 38 ये नहीं कह रहा कि जो 2B में आईटीसी है पूरी पूरी क्लेम करो, बल्कि वो आपको ये बता रहा है कि ऐसी कौन सी आईटीसी है, डिटेल ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, 2B के अंदर जो आईटीसी आ रही है उसमें से कौन सी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करनी है, ये सेक्शन 38 अब आपको बताएगा। तो कौन सी आईटीसी नहीं क्लेम करनी है, ऐसी आईटीसी जिस पीरियड की आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो और आपके सप्लायर ने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया उस पीरियड में, तो वो आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी रूल्स आएंगे, इसके रिगार्डिंग अभी आपको और एडवाइजरी भी आएगी, ठीक है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन। या तो आपका 2B चेंज होगा, 2B के अंदर लिखा आएगा आईटीसी कौन सी क्लेम करनी है अवेलेबल, और ऐसी आईटीसी कौन सी है जो कि रिस्ट्रिक्ट है, वो जो रिस्ट्रिक्ट आईटीसी होगी उसके अंदर बताया जाएगा कि आईटीसी वो क्यों रिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें सबसे पहला रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसी आईटीसी क्लेम कर रहे हो और उसी पीरियड के अंदर आपके सप्लायर ने जीएसटीएन नंबर लिया था, मतलब ताजा ताजा वो व्यापारी बना, तो उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकेंगे। कब लेंगे या कैसे लेंगे उसकी एडवाइजरी अभी आना बाकी है।
एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद सच पीरियड, सच पीरियड का मतलब जिस पीरियड में आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, जिस पीरियड का आपका एम्प्लॉयर है उसने ताजा ताजा टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ताजा ताजा रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो आईटीसी भी आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, कैन नॉट बी अवेल्ड। ठीक है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सेकंड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट, जो कि पेमेंट करने में डिफॉल्टेड रहा है उसकी आईटीसी आप नहीं क्लेम कर सकते, और साथ ही साथ जिस पीरियड की आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो वहां पर भी वो डिफॉल्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफॉल्टेड पहले था और अब भी आपको आईटीसी लेने से रोक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिफॉल्टेड था और डिफॉल्टेड है भी, जिस पीरियड की आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपकी आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 38। और साथ के साथ क्या बोला है, साथ के साथ ये बोला है, पूरी लाइन आप पढ़ लेंगे, साथ के साथ क्या बोला है कि जीएसटी वन के अंदर अगर जो भी आईटीसी लायबिलिटी डिक्लेयर की है और उसने वो 3B में पे नहीं की है तो भी आपकी आईटीसी को रोक दिया जाएगा उस प्रोपोर्शन में या पूरी। ठीक है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय होम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट जीएसटी वन जो कि उसने फाइल करा है पर उसने 3B के अंदर उतना टैक्स पे नहीं किया, मतलब 1 और 3B की लायबिलिटी में अंतर है। नेक्स्ट 4 नंबर, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड, मतलब उसने फेक आईटीसी क्लेम कर ली है, फेक आईटीसी क्लेम करी तो फेक लायबिलिटी को सेट ऑफ करा, इसलिए भैया लायबिलिटी से लिंक आपका है क्योंकि आप उसके बायर थे तो आप भी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपके सप्लायर ने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया, मतलब ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया जो उसको आईटीसी क्लेम करनी चाहिए थी, तो ये चौथा और खतरनाक था। और पांचवा जो है वो इन सबका पापा है और सबसे ज्यादा खतरनाक रूल आने वाला है आपके सामने, वो क्या कहता है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी, अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में वो डिफॉल्ट था, कैसे डिफॉल्ट था, एज पर सब सेक्शन 12 और सेक्शन 49, सेक्शन 12 और सेक्शन 49 क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी जो आईटीसी है, आप जो अपनी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट लेजर से केवल 99% तक ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना होगा। ये आपको पता है कि एक बार पहले आया था ये सेक्शन, जिसके अंदर की आई थिंक 50 लाख की सेल, अगर आप मंथली अगर आपकी सेल 50 लाख की है तो आप अपनी आईटीसी का केवल 99% तक जो है वो क्रेडिट यूज कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना होगा। अगर आपके सप्लायर ने इसको ध्यान में नहीं रखा विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October 2022 और उसने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया तो आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम का मतलब है होली या पार्शली, या तो पूरी आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या उसका पार्ट उस प्रोपोर्शन में जो पार्ट है। सो ये सारी एडवाइजरी भी अभी आना बाकी है, साथ के साथ 3B भी चेंज होगा और साथ के साथ 2B भी चेंज होगा, तो चेंजेस बहुत सारे, जैसा कि पता है कि जीएसटी में चेंजेस होते रहते हैं और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि मैं कहता हूँ जीएसटी हेडेक नहीं अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि भैया एक अगर पानी का ग्लास भरा है, आधा भरा है, उसको या तो आधा भरा का हो या आधा खाली का हो, इच्छा आपकी है। क्योंकि मेरे कमेंट में कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि तुम तो पागल हो भाई साहब, क्योंकि तुम जीएसटी को अपॉर्चुनिटी बता रहे हो जबकि ये तो हेडेक है, रोजाना चेंजेस होते हैं, तो बात वही है भाई साहब ग्लास वाला एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया भाई साहब कि सेक्शन 16 के अंदर जो है वो अमेंड हुआ है, क्या अमेंड हुआ है, यहाँ पर जो सेक्शन 38 है वहां पे एक लाइन लिखी गई है कि भैया कौन कौन सी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, उसमें जो है 5 जो है आपके सामने पॉइंट्स है, वो पांचों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जैसे कि अगर ताजा ताजा रजिस्ट्रेशन लिया है, वो डिफॉल्टर है, उसकी 1 और 3B में मिसमैचेस है और उसने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली है, या फिर उसने जो लायबिलिटी को सेट ऑफ करा है वो प्रॉपर तरीके से उसने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया है। अगला जो 1 अक्टूबर 2022 से आपके सामने अमेंडमेंट आ रहा है वो क्या है, कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के रिगार्डिंग है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29, सेक्शन 29 क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर स्पेसिफाइड टैक्स पेयर, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 29 के अंदर अमेंड कर दिया गया है, कब से, 1 अक्टूबर 2022 से। तो किनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और कितने समय की रिटर्न नहीं फाइल करें, तो सबसे पहले आता है द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल, ऑफिसर भाई साहब कैंसिल कर सकते हैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया था अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 का मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन वालों के लिए, अगर कोई भी कंपोजिशन टैक्स पेयर
अपनी लगातार तीन पीरियड की मतलब तीन क्वार्टर की अगर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है ना कंपोजिशन वाला, तो अगर आप तीन क्वार्टर की रिटर्न नहीं फाइल करते तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ऑफिसर भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल टैक्स पेयर है अदर देन कंपोजिशन, अगर वो लगातार 6 महीने तक का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई साहब। ये भी 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो गया। इसके अलावा एक खुशी की बात है आपके लिए कि भैया अब आपकी टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है जीएसटी को क्लेम करने के लिए, आईटीसी को क्लेम करने के लिए, या पिछले फाइनेंशियल ईयर के कुछ भी जो आपके अमेंडमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आप 30th of November तक कर सकते हो, जो कि अभी 20th of October तक था, मतलब सितंबर की रिटर्न फाइलिंग करने तक था, और सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है 20 अक्टूबर, ठीक है। तो अब आप जो है आपकी टाइम लिमिट जो है ये एक रिलैक्सेशन है, टाइम लिमिट आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, पर यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये किसके लिए एक्सटेंड की है, क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो उसका जवाब है नहीं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एक्सटेंड की गई है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एक्सटेंड की गई है कि अब आप 30th of November तक जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th of November तक आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन में अमेंडमेंट है, जैसे कि सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30th of November तक। इसके बाद सेक्शन 34(2) जिसमें क्रेडिट नोट की बात की जाती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक? 30th of November तक। इसके साथ साथ सेक्शन 37 जो कि बात करता है आपकी GST F1 की, तो उसमें भी अगर कोई आपको अमेंड करना है तो वो भी आप 30th of November तक कर सकते हो। इसके बाद जो आता है वो आता है सेक्शन 39 जो कि आपके 3B में अगर आपको कोई भी अगर एडिटिंग करनी है, एडिटिंग का मतलब है कि उसको कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं जो कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30th of November तक जो है आप उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो, मतलब आईटीसी को रिवर्स और आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 52 और 56 की बात करता है जिसमें जीएसटी रेट कवर होता है, तो ये सारी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक एक्सटेंड कर दी गई है? 30th of November तक ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये कब से लागू होगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, कब से लागू है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ना कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। सो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी और वीडियो के स्किप आपको करना ही नहीं होता जैसा कि आपको पता है। सो आई होप वीडियो को आपको आनंद लिया होगा, वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें उसको नोट डाउन कर लीजिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।